वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सोडी सुल्तान पिता धन धन साहिब श्री गुरु रामदास साहब जी महाराज, चुंत दे वाली अमृत के दाते, दशमेश पिता धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी ने अपार बख्शिश रहमत कृपा की है, जो ये नमाने जे दास नूं अपने पावन पवित्र महान स्थान तख्त श्री केसगढ़ साहिब, जो कि खालसे दा प्रगट अस्थान है, उस अस्थान दी महान पवित्र सेवा जो दास दी झोली दे विच सिख पंथ दी नुमाइंदा जथेबंदी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी समुचे खालसा पंथ वल्लों पाई गई है। दास समुचे खालसा पंथ दा सिख पंथ दी नुमाइंदा जथेबंदी श्रोमणी गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी दा और धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी का धन्यवाद शुकराना करता है, जो सेवा सतगुरों ने कृपा करके त्रुट करके दास नूं बख्शिश की है। दास यतन करेगा कि सतगुरों वालों चलाई हुई मर्यादा के अनुसार ये सेवा जिहड़ी निभाउण दा यतन करेगा और समुची संगत नूं समुचे पंथ नूं यह बेनती करदा कि जिन्हां ने अजे तक पतत पुरेण नूं नहीं त्यागिया, अमृत नहीं छकिया, उन्हां नूं दास वल्लों अपील है, बेनती है कि श्री आनंदपुर साहिब तख्त श्री केसगढ़ साहिब सिख पंथ दा खालसे दा घर है, अपने घर दे विच आउण, घर दे नाल जुड़न, वध तो वध अमृत छक के गुरु वाले बन, गुरु घर दीआं खुशियां प्राप्त करन और पतत पुरेण नूं त्याग करके गुरु दे नाल जुड़न दा यतन करन। इन्नियां बेनतियां दास करदा होया समुची कौम नूं समुचे पंथ नूं यह भरोसा दिंदा है कि सतगुरां वल्लों बख्शी हुई सेवा दास चढ़दी कला दे नाल करन दा यतन करेगा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।